Hey guys, welcome back to our new vlog. वह लोग आज हम आए हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। बहुत दिन बाद मौका मिला आने का, तो अभी 9 बजे कुछ खुलता है। मैं मॉर्निंग में जल्दी जल्दी आ गया था ताकि ट्रैफिक कम मिले। तो अभी टिकट काउंटर चलते हैं राइट साइड में, इधर जाके अभी चलते हैं अंदर। अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं है, पर फ़ोन से व्लॉगिंग करेंगे अंदर, देखते हैं कैसा है। सिनेमेटिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अभी एंट्री तो ले ली है, अभी कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसकी लोकेशन मैं आपको गूगल मैप में नीचे डाल दूँगा। बाकी बहुत प्यारी लोकेशन है, बारिश में आए तो और बढ़िया लगता है। आज मौसम तो गर्म है बहुत। ये देखो इस तरफ, अभी चलते हैं यहाँ से अंदर, अंदर जाके दिखाते हैं क्या क्या है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ, ये आप पढ़ लेना। बाकी मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसे ही पढ़ के दूंगा मैं, अभी कोई अलग से नहीं बताऊँगा। ये चार बाग से लेके कालीन 1632 ईस्वी के, उस तरफ भी है कुछ कालीन, उस तरफ देखते हैं फिर अंदर चलते हैं। मतलब यार ये कितने साल पुराने कालीन है, फिर भी अभी ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। देखो एक बार ध्यान से तुम, अभी यहाँ से अंदर चलते हैं। बुद्धत्व प्राप्ति की थी इन्होंने, जो मतलब इन्लाइटमेंट प्राप्त किया था इन्होंने। इन्लाइटमेंट लेके जो लोग हैं इनसे अभी आशीर्वाद ले रहे हैं। इन्लाइटमेंट लेके इन्होंने बोधगया में इन्लाइटमेंट ली थी, इनका लुम्बिनी में जन्म हुआ था। ये क्लास 12th में अभी पढ़ाया हमने कुछ दिन पहले ही। तो ये है 19वीं सदी का, क्या लिख रखा है, सत्सुमुखी कोसान बर्तन है, जो बहुत पुराना है। कितना ब्यूटीफुल है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। कि बाहर तो बहुत गर्मी थी, अभी अंदर आके थोड़ा एसी अच्छा लगा, बहुत पसीना आ गया था। पीछे भी 2-3 राउंड काट लिए इसकी वीडियो बनाने के लिए सिनेमेटिक, तो देख लो कितनी मेहनत लगती है। अंदर चलते हैं। तो यहाँ से पढ़ना, ये 19वीं सदी की मिट्टी के बर्तन है, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। इन पर डिज़ाइन देखो आप लोग, ये देखो भाई। तो ये है लाल तुर्की बर्तन, कब के 19वीं सदी के हैं, लगभग सारी चीज़ें ज़्यादातर 19वीं सदी के ही हैं। और ओल्ड तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे अभी वो बर्तन दिखाया था वहाँ पे, वो बहुत पुराना है, बुद्धा जी की वो बहुत पुरानी है। ये जो बर्तन है ईरानी और तुर्की का बर्तन है, ये भी 19वीं सदी का ही है। फिर इस तरफ आकर देखते हैं तो यार कितने प्यारे लग रहे हैं यार ये, मतलब आज के ज़माने की पोकरी जो होती है ना, वो फेरे इनके सामने। ये जापान का बर्तन है 19वीं सदी का, इस तरफ ये सारे जापान के बर्तन है सारे। तो ये म्यांमार और श्रीलंका की कलाएं हैं, जो कि अपन को मिली थी 18वीं सदी में प्राप्त हुई थी, मिट्टी में जो होती है ना वहाँ से मिली थी। कितनी प्यारी लग रही है, देखो एक बार तुम ध्यान से देखो विदाउट स्किप किए, फिर डिज़ाइन देखो ऊपर, सही बताऊँ बहुत प्यारी लग रही है, एकदम बढ़िया। अब इस तरफ चलते हैं, मम्मी इसकी तरफ भी चलते हैं अभी थोड़ी देर में, पहले ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। इस तरफ देखो, तो ये है जापान की कला, ये कुछ पपेट्स होती हैं जो मतलब वो, फिर ऊपर कुछ तलवारें हैं, और ये भैया मिले थे अपन को सीख करके बाहर। अभी चलते हैं अपन अंदर, इस साइड से चलते हैं, यहाँ से शायद बंद है अभी, उस साइड चलते हैं उस तरफ। फिर अब इस रूम के अंदर सारी ज्वेलरीज वगैरह हैं सारी, मतलब सिल्वर की, कोई गोल्ड की भी है शायद, देखता हूँ मैं। ये सारी ज्वेलरीज हैं, देखो आंटी जी सो रहे हैं हमारे, ये कुछ देख सकते हो आप, कान की लोंग है। इतनी बड़ी कान की कोई लोंग होती है क्या, इतनी बड़ी है, अब क्या कर सकते हैं, सारी लोंग है कान की, ये कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी लोंग है कान की, ये देखो ये वाली। फिर ये देखो तुम,
अभी मैं बाहर आ गया था म्यूजियम से, बहुत मज़ा आया। सुबह जल्दी आने का फ़ायदा हो गया क्योंकि अभी भीड़ हो चुकी है म्यूजियम के अंदर। अगर सुबह जल्दी नहीं आता, सोता रहता, तो वीडियो नहीं बन पाती अच्छे से, क्योंकि भीड़ हो जाती बीच में आती लोग बाग। तो अभी मैं अल्बर्ट म्यूजियम से आ गया था, तो सोचा चलो बिरला टेम्पल पास में ही है, तो अभी पहले मोती डूंगरी जाके आया था, अभी बिरला टेम्पल आया हूँ मैं। तो अभी 10-15 थोड़ा फोटोग्राफी करने आया हूँ मैं बाहर से, अंदर तो देखते हैं जाते हैं नहीं, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए। तो अभी यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करके, फ़ोटोग्राफी आपको मिल जाएगी इंस्टा के ऊपर, वहाँ पे देख लेना, आपको लिंक इंस्टा की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।